हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक महान शख्सियत की प्रेरक कहानी के बारे में जानेंगे, जिनके साहस और लचीलेपन ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। भारत के जनजातीय नायक बिरसा मुंडा के जीवन और विरासत का पता लगाने के लिए हमसे जुड़े। उन्नीसवीं सदी के अंत में वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर पठार में जन्मे बिरसा मुंडा आदिवासी समुदायों के बीच एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को बंगाल प्रेसिडेंसी के रांची जिले के उलिहातू गांव में हुआ था, जो अब झारखंड के खूंटी जिले में है। बिरसा मुंडा का जन्म मुंडा जनजाति में हुआ था, एक ऐसा समुदाय जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत लंबे समय तक उत्पीड़न और शोषण सहा था। छोटी उम्र से ही बिरसा ने अपने लोगों के साथ होने वाले अन्याय को देखा और उनके अधिकारों के लिए लड़ने की गहरी इच्छा मन में रखी। जैसे जैसे वह बड़े होते गए, बिरसा के करिश्मा और वक्तृत्व कौशल ने उन्हें एक स्वाभाविक नेता बना दिया। उन्होंने भूमि अधिकारों, सांस्कृतिक संरक्षण और ब्रिटिश अधिकारियों और जमींदारों द्वारा थोपी गई दमनकारी नीतियों से मुक्ति की वकालत करते हुए अपने साथी आदिवासियों को एकजुट किया। 1899 में बिरसा मुंडा ने प्रसिद्ध उलगुलान द ग्रेट ट्यूल्ट का नेतृत्व किया, जो ब्रिटिश प्रशासन और शोषणकारी जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। उनकी गुरिल्ला रणनीति और अन्य आदिवासी समूहों के साथ रणनीतिक गठबंधन ने औपनिवेशिक ताकतों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। 24 अगस्त 1895 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई। 28 जनवरी 1898 को जेल से रिहा होकर वे अपने अनुयायियों के साथ चले गए। दमनकारी प्रतीकों को जलाने और अन्यायपूर्ण करों का भुगतान करने से इनकार करने जैसे प्रतीकात्मक कृत्यों के माध्यम से बिरसा ने अपने अनुयायियों को अपनी गरिमा और अधिकारों का दावा करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा की कहानी हमें विपरीत परिस्थितियों में लचीलेपन, साहस और एकता की शक्ति की याद दिलाती है। आइए हम एक ऐसे विश्व के लिए प्रयास जारी रखकर उनकी स्मृति का सम्मान करें जहां न्याय और समानता कायम हो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। If you found this video informative, don't forget to like, share, and subscribe for more content. Until next time, stay curious and keep exploring.